को चाय पिलाना है या फिर गाय बछड़े को घास देना है या फिर कहीं और मन लगा है, तब ये आनंद नहीं आएगा। आनंद लेना है तो जैसे हम टीवी सीरियल और समाचार सुनते हैं तो दूसरों की बातें नहीं सुनाई पड़ती, उस समय बस जो सामने बोलता है वही बात हमें सुनाई पड़ती है। बस वैसे ही एकाग्रता की जरूरत है कि हम लोग भी यहाँ पूर्ण एकाग्र मन से श्रवण करें, तभी पूरा लाभ मिलेगा। तब हमारे बीच उपस्थित है सीतानंद जी साहब, आप अपनी वाणी से हम सबको लवाने। दूर दराज से आए हुए आत्मीय बंधु, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं और बहनों, आप सबके बीच कुछ देर के लिए उपस्थित हूँ। मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना के बारे से शुरुआत करता हूँ। जैसे यहाँ मेला लगा हुआ है ना, दूर दूर से बहुत लोग आए हैं, बेचने वाले भी आए हैं, खरीदने वाले भी आए हैं, सब मेला का आनंद उठा रहे हैं, मजा दे रहे हैं। ऐसे ही मेला लगा हुआ था, और मेला लगा था तो एक गांव की गरीब माता, एक गरीब महिला अपने एक छोटे बच्चे को लेकर मेला घुमाने के लिए गई। उसका छोटा बच्चा वही रहा होगा लगभग 5-7 साल का। पूरे भारतवर्ष में आपकी ख्याति, दोनों मेला घूमने गए। जैसे ही मेला के अंदर प्रवेश किए, बच्चा खिलौना देखा, तो खिलौना देख करके कहता क्या है, माँ माँ मेरे लिए खिलौना ले दो ना। तो वो महिला बेचारी, गरीब महिला, उसके पास रुपए तो नहीं थे, लेकिन वो करे तो करे क्या, बेटे का शौक मना भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि बेटा यहाँ मेले में जितने खिलौने हैं ना सब नकली हैं, नकली, जब घर चलेंगे ना मैं अच्छा वाला खिलौना लेके दे देंगे। बच्चा चुप, कुछ देर फिर आगे बढ़े, इतने में मिठाई वाले की दुकान देखा, फिर कहता है माँ माँ मेरे लिए मिठाई ले दो ना। फिर माँ के मन में हुआ इसे फिर मना कर दूं तो ये रोने लग जाएगा, करूं तो करूं क्या। उसने कहा कि बेटा यहाँ जो मिठाई है ना ये सब नकली है, ये अच्छा नहीं है, इसको खाओगे ना तो और उल्टा पेट खराब हो जाता है, तुम्हारे लिए जब घर जाएंगे ना तो अच्छा वाला मिठाई खरीद देंगे। बेटा चुप, इतने में होता क्या है, चारों तरफ से भीड़ बढ़ गई और इतनी भगदड़ मच गई कि बाप माँ और बेटा दोनों एक दूसरे से अलग, दोनों बिछुड़ गए मेला में। बेटा रोने लगा, माँ 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 माँ। दूर एक अमीर आदमी पीछे पीछे आ रहा था बड़ी देर से, वो बेटे की हर एक हरकत देख रहा था और उसका कोई बेटा भी नहीं था। वह जानता था कि इस बेटे को क्या चाहिए, इस बच्चे को क्या चाहिए। जैसे ही वह अपने माँ से बिछड़ा, उसे अपनी गोद में ले लिया और कहा बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत सारा खिलौना खरीद दूंगा, और तुम्हें मिठाई चाहिए ना, तुम्हारे लिए बहुत सारा मिठाई खरीद दूंगा। तो बच्चा क्या कहता है, वह कहता है मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे खिलौना भी नहीं चाहिए, मुझे तो अब माँ चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बंधु, हमारे जीवन में क्या महत्व है, बहनों हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। हमारा जीवन जिस मानव को हम, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, क्या हम उनका आदर करते हैं।
क्या हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? क्या हम उसकी उनकी एक इच्छा पूरी करते हैं? आप सब बचपन में पुस्तकों में पढ़े होंगे, एक बच्चा था, वो मेला देखने के लिए जा रहा था। माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम मेला देखने जा रहे हो ना, ये लो 10 रुपए और कुछ खा लेना। पूरा मेला घूमा, अच्छे से घूमा और शाम को लौटते वक्त क्या करता है, शाम को लौटते वक्त एक चिमटा खरीद लेता है और ला करके माँ के सामने रखता है। माँ आज से तुम्हारे लिए मैं चिमटा ले आया हूँ, तुम रोटी बनाओगी ना, तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। ये होता है प्यार। हम अपने जीवन को देखें, ये जो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जो जिंदगी मिली हुई ना, इसे हम देखें, इसे हम संवारने का प्रयास करें। आजकल तो होता क्या है कि बच्चे थोड़े बड़े नहीं हुए कि माँ बाप का कहना ही क्या सुने, वो तो और उन्हें उल्टा खरी खोटी कहने लग जाते हैं। किंतु हम ऐसा ना करें। आजकल के नौजवानों को भी मैं कई बार देखता हूँ तो तरस आती है। जब उनकी माताएं जब बूढ़ी हो जाती है ना, उनके पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उसे सीधे वो बात नहीं करते। एक बार की घटना है, हम लोग ऐसे ही एक कार्यक्रम में गए हुए थे। गए तो देखे कार्यक्रम, जिस घर में हम लोग को रुकना था बहुत आलीशान एकदम बंगले जैसा मकान, और जब अंदर घुसे पूरा घर खाली, बेडरूम है, किचन है, अच्छे से पूरा सजावट है, किंतु वहाँ रहने वाला एक भी आदमी नहीं, सिर्फ एक बूढ़ी माता रहती थी। हम लोगों ने पूछा, माता जी आपके कोई बेटे नहीं है क्या? उन्होंने कहा, भैया बेटे की बात मत कहो, मेरे तो 5-5 बेटे हैं। बेटे की बात मत कहो, मेरे तो 5-5 बेटे हैं। मैंने कहा, माता जी आपके 5-5 बेटे हैं तो सब रहते कहाँ हैं? कहा कि भैया आप पूछ ही रहे हो तो अपना दुखड़ा आपसे सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि भैया एक मेरा सबसे बड़ा बेटा था, कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट में मर गया, बचे 4। अब चारों में तनातनी, अक्सर कुछ ना कुछ बात कर लेकर के लड़ाई हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। चारों ने कहा कि अब हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, पर चारों के चारों बंटवारा के लिए तैयार हो गए। सारे घर का सब कुछ सामान, सब कुछ बंटवारा में बांट लिया गया। फिर बात आई कि माँ किसके पास रहेगी, फिर बात आई कि माँ किसके पास रहेगी। तो सब ने कहा कि एक ने कहा कि मैं तो रखने लायक नहीं हूं क्योंकि मैं विदेश में रहता हूं, वो भी कैंसिल, वो भी छोड़ दिया। दूसरा कहता है मैं तो एकदम गरीब हूं, मैं तो माँ को रख नहीं पाऊंगा, वो भी छोड़ दिया। बचे 2, तो 2 भाइयों ने तय किया कि 15 दिन तुम रखोगे और 15 दिन मैं रखूंगा। अंत में बात तय हुई, दोनों के दोनों 15-15 दिन रखते थे। मैंने कहा, माता जी 15-15 दिन तो आप रह लेते हैं दूसरों के सामने, तो यहाँ कैसे हैं? कहा, भैया आज 31 तारीख। कहा, 31 तारीख? मैं आश्चर्य में पड़ा, 31 तारीख क्या बात है भाई? उन्होंने कहा, भैया बात ऐसी है, 1 तारीख से 15 तारीख तक तो बड़ा बेटा रख लेता है और 15 तारीख से 30 तारीख तक छोटा बेटा रख लेता है, और बच्चा एक दिन, उस दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ, उस दिन उपवास रहती हूँ और इसी मकान में पड़े रहती हूँ। ये हम सब के माताओं की दशा है। हम जिस माँ बाप को, अपने देवता स्वरूप भगवान को हम दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो जान लीजिए कि हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है।
जिस माँ बाप ने हमें पाला पोषा, हम उन्हें ही दुखी करते हैं, हम उन्हें ही पीड़ा पहुंचाते हैं। तो हम जिस भगवान को पाना चाहते हैं, जिसे खुदा को पाना चाहते हैं, जिस अल्लाह गॉड परमेश्वर परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्या वो कभी खुश होगा? वो कभी खुश नहीं होने वाला है। पहले तो हमें खुश करना है जो हमारे पास रहते हैं उन्हें। हम जिन्हें अपने पास रखते हैं, जिन्हें पास हमारे, जो लोग हमारे पास है, उन्हें हम खुश करना सीखें, तभी हम इस धरती पर स्वर्ग ला सकते हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि ये आदमी मरा तो स्वर्ग में गया। स्वर्ग और नरक कहीं है नहीं, इसी धरती पर स्वर्ग है और इसी धरती पर नरक है। स्वर्ग क्या है? जिनके आने से घर में खुशी का माहौल हो जाए, वो इंसान स्वर्गीय है, वो इंसान सदा स्वर्ग में है। और जिस इंसान के आने से घर में कला हो, पीड़ा हो, दुखी हो जाए लोग, जान लीजिए वही आदमी नरक में। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मैं कल कह रहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल हो। दूसरों को ऐसी बात बोलें कि उनका मन शीतल हो जाए, उनके मन में एक प्रसन्नता का लहर उठ जाए, वे आपके आने का इंतजार करें। जब आप बाहर हो और आप घर में आए तो लोग खुशी मनाएं कि मेरे पापा आ गए, मेरे भैया आ गए, मेरी दीदी आ गई। और जिस घर में आने से कला हो जाए, वो घर घर नहीं नरक है। एक बार की बात है, यही हाईकोर्ट के जज साहब घर जाने ही वाले थे तो उनके दोस्त ने कहा, चलो आज मैं भी तुम्हारे घर हो आता हूँ, बहुत कहते ही हो, आज तुम्हारे घर हो आता हूँ। कहा, बढ़िया है, खुशी की बात है, चलो मेरे साथ। गए, जैसे ही घर में प्रवेश करने ही वाले थे कि सारे बच्चे जो बाहर आंगन में खेल रहे थे सब दौड़ करके अंदर चले गए। घर की ननद भावज देरान जेठान जो थी सब रूम के अंदर। जो उनके साथ गया हुआ व्यक्ति था उसने सोचा कि क्या बात है, क्यों सब अंदर चले गए भाई, उनको तो और स्वागत करना चाहिए, वे मिलते हंसते बात करते अच्छे से, मैं तो इनका दोस्त हूँ, ऐसा भी नहीं कि मुझसे कोई दूरी हो, मुझसे तो हर चीज बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भैया बात ऐसी है कि जब मैं आता हूं ना तो इस घर में मेरा रुतबा होता है, रुतबा। उन्होंने कहा, रुतबा होता है? अब इतना कहना ही था कि उसकी पत्नी को थोड़ा साहस हुआ, बाहर निकली और कही, भैया अपने दोस्त को समझा दीजिए कि अपने जजपना ना अपने कचहरी में रखे, यहाँ ना लाए। अपना जजपना अपने कचहरी में रखे, अपने हाईकोर्ट में रखे, यहाँ ना लाए। बंधुओं, कैसी जिंदगी है? जिस घर में हमारे जाने से खुशी का वातावरण ना हो, जिस घर में हम जाएं तो लोग हमारे आने की खुशी ना मनाएं, जान लीजिए वो आदमी कभी स्वर्ग में नहीं रह सकता, वो सदा नरक में है और सदा नरक में ही सड़ता रहेगा। हम अपने जीवन को देखें, अपने स्वभाव को देखें। अब बात आती है कि हम अपने जीवन को सदा संवारें, सुधारें तो कैसे संवारें? हर आदमी सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी और पीड़ित जीवन जीऊं। हर इंसान चाहता है कि मैं सुखपूर्वक जीऊं। और यदि हम सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो हमें कुछ उसके लिए स्टेप्स अपनाने होंगे, कुछ पायदान अपनाने होंगे, कुछ क्रियाएं करनी होंगी। जैसे हम लोगों को भूख लगती है ना, आप लोगों को नहीं लगती होगी शायद, लगती है ना आप लोगों को नहीं? तो आप लोगों को जब भूख लगती है तो आप लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और खाना कहाँ से आता है? इसके लिए कुछ मेहनत करते हैं, कुछ परिश्रम करते हैं। अभी कमाने लायक नहीं हुए हैं तो घर का कुछ छोटा मोटा काम करते हैं,
जो जो लोग काम नहीं करते ना उसको क्या कहते हैं, निकम्मा है, ये आलसी है, कामचोर है, यही सुनने को मिलता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमाते हैं तब खाते हैं। वैसे ही जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ काम करना होगा, उसके लिए भी कुछ समय निकालने होंगे। जब हम स्कूल में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, क्यों, सिर्फ 3 घंटे परीक्षा देने के लिए। 3 घंटे सिर्फ परीक्षा देनी होती है हमें, लेकिन उसके लिए हम साल भर मेहनत करते हैं। और साल भर ही नहीं, पिछले पूरे जीवन में हमने जो मेहनत किया है उसका परिणाम होता है। किंतु हम इस जिंदगी को सजाना चाहते हैं, इस जिंदगी को संवारना चाहते हैं, इसे बनाना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है? इसके लिए तो बहुत बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, इसके लिए तो बहुत कदम उठाने होंगे, और छोटा मोटा नहीं, बहुत कड़ा कदम उठाना होगा हमें। हम अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें। जीवन को सुधारने का सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने स्वभाव को सुधारें, और उसके बाद अपने मन को संवारें, अपने विचारों को सुधारें। आप लोग अनेक संतों के विचार सुनते रहते हैं, आप सब सुने होंगे कि जैसा मन वैसा जीवन। जैसा हमारा मन होगा ना, वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और जाते जाते हम किसी आदमी को देख लिए, तो उसके प्रति यदि हमारे मन में घृणा की भावना हुई, द्वेष की भावना हुई, उसे गाली देने की भावना हुई, तो जान लीजिए आपका जीवन अभी अच्छा नहीं हुआ है। और कहीं आप जा रहे हो, उधर से कोई व्यक्ति आ गया, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारी भाभी हो, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बेटा हो, यदि हम उससे देखे और देखते ही हम मुस्कुरा दिए, तो जान लीजिए कि हम दोनों के बीच जो गांठें हैं ना वो खुल जाती है, और जिनकी गांठें खुल जाती हैं उनका जीवन अच्छा हो जाता है। एक रस्सी हो, उसमें 1000 गांठें गांठी हो, तो क्या आप उसे पसंद करेंगे, उसे किसी उपयोग में लाना पसंद करेंगे? नहीं ना। कौन सी रस्सी उपयोग करते हैं आप? एकदम जो एक सीधा साधा सरल हो, उस रस्सी को उपयोग करते हैं, उसे कहीं बांधना उपयोग करेंगे, कहीं कुछ करने के लिए उपयोग करेंगे। वैसे ही हमारे मन में यदि गांठें भरी हुई हैं, तो हमारा मन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और जिस आदमी का मन अच्छा नहीं होगा, उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता, और उस इंसान को कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। हम सब यहाँ गंगा नहाने आए हैं, मेला देखने आए हैं। सब लोग सोचते हैं कि गंगा नहा करके हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। बंधुओं, पाप से मुक्त होना अच्छी बात है, किंतु सिर्फ गंगा नहाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। गंगा के नहाने से तो हमारे शरीर में जो लगे हुए दाग है ना, जो गंदगी है, यह धुल सकता है, किंतु जो हमारे मन में दाग लगे हैं ना, वो कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी नहीं धुल सकता। इसीलिए हमारे संत गुरुजन कहते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ओ दाग तिल का छुड़ा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। बंधुओं, हमें ज्ञान की गंगा में स्नान करने होंगे। जब हम ज्ञान के गंगा में स्नान करेंगे, तब हमारा मन धुलेगा। जिस गंगा में हम रोज नहाते हैं, उसमें रोज नहाते रहें, उसमें कोई बुराई नहीं है। किंतु एक और गंगा है, जिस गंगा में आप नहा लें तो आपका जीवन पवित्र हो सकता है, और वो गंगा है ज्ञान की गंगा, जिस गंगा में आप सब इस समय बैठे हुए हैं। इस गंगा में सदैव डुबकी लगाते रहें, अपने मन को देखें,
अपने स्वभाव को देखें। कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांगना सीखें। कभी कोई दूसरे से गलती हो जाए तो हमें उन्हें माफ करना सीखें। ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे एक घर में माँ, पिताजी, भाई बहन रहते हुए, और हुआ क्या, कभी हम किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, माँ बाप हमसे बात करना बंद कर दिए, एक छोटा भाई है वो भी बात करना बंद कर दे, तो क्या होगा? फिर हम चाहेंगे कि मेरा भाई कम से कम बात कर लेता, मम्मी पापा भले बात ना करें, छोटा भाई है कम से कम वो तो बात कर ले। धीरे धीरे सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, भाई मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ, कुछ हमारे से अगर गलती होगी तो हम उससे साफ साफ कह देंगे, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर जब हम दोनों एक हो गए तो फिर हम मम्मी पापा को मनाते हैं, उन्हें कहते हैं कि पिताजी मुझसे ऐसी गलती हो गई, माँ मुझसे ऐसी गलती हो गई, फिर उस घर में हंसी का वातावरण आ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो हम माफी मांगने में हिचके ना, डरे ना। कभी ये ना सोचे कि हम माफी मांगने से छोटे हो जाएंगे। बंधुओं, जिंदगी भर याद रखिएगा, माफी मांगने वाला बड़ा होता है, माफ करने वाला नहीं। माफ करने वाला तो जो भी जिस पद पर है, जिस स्थिति पर है, वो तो वैसा ही रहेगा, किंतु जब हम झुक जाते हैं, विनम्रता हमारे अंदर आ जाती है, तो हम बड़े हो जाते हैं। लघुताते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा, शीस नवे सब होए। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देखिए, एकदम हसीये के रेख की बराबर होता है। जब कभी द्वितीया का चंद्रमा हो तो आप आकाश में देखिएगा, एकदम पतली रेख के समान, और उसको आप लोग मुसलमान भाइयों के झंडे होते हैं उसमें आप लोग देखे होंगे कैसे बना रहता है, वो उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की इबादत करते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा दिन प्रतिदिन प्रकाशित होता जाता है। द्वितीया को एकदम पतली रेख, तृतीया को फिर बड़ा हुआ, फिर चतुर्थी को बड़ा होगा, ऐसे करते करते पूर्णिमा तक एकदम गोल प्रकाशित पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। किंतु वो पूर्णिमा का चांद अभागा है बेचारा, दिन प्रतिदिन उसकी प्रकाश घटती चली जाती है, और एक दिन अमावस्या के दिन पूरा प्रकाश विलुप्त हो जाता है। इसलिए द्वितीया के चंद्रमा को नमस्कार किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हमारा जीवन भी ऐसे हो, हम दिन प्रतिदिन अच्छाई की तरफ आगे बढ़े। हमारे जीवन में कभी ऐसा ना हो कि हम दुखी, पीड़ित, बोझिल, एक दिन टेंशन में है तो दूसरे दिन और टेंशन, तीसरे दिन और टेंशन। आजकल तो हमारे बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी टेंशन शब्द जानती हैं। एक बार हम लोग यहीं उत्तर प्रदेश किसी गांव में थे तो माता जी बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी, तो उसके घर का एक बेटा था, वो कहा, अरे इतना चिल्लाती क्यों हो, चुप तो रहो। अरे क्या करूं बेटा, मुझे भी टेंशन हो जाता है। एक छोटी छोटी बातें हैं जो घर घर में आजकल चलने लगी। हम इन टेंशन मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। जब हम अपने जीवन को संवारेंगे, जीवन को देखेंगे, इन सब चीजों पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे ना, तब हमारा जीवन खुलता है, निखरता है। जैसे सोना को देखें, सोना को जब कुछ कान का या नाक का कुछ बनाने का होता है ना, तो उसे आग में रख करके खूब तपाया जाता है, जब वो तप जाता है खूब, जब गल जाता है, तब उसे अच्छा रूप दिया जाता है। और कहा जाता है कि सोने को यदि तपाया ना जाए तो उसमें निखार नहीं आती है। जब तक उसे तराशा नहीं जाता है, उसको संवारा नहीं जाता है, तब तक उसमें चमक नहीं आती है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है। इस जीवन में समस्याएं बहुत आएंगी। अभी तो हम सब बहुत कम समस्या झेले हैं। अभी जब हम धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर और आगे बढ़ेंगे ना, आप सब बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं, कितनी समस्याएं आती हैं उनके जीवन में, कितना दुख, कितना पीड़ा, कितना कष्ट से वे जीवन जीते हैं।
कई बार तो इतना कष्टित हो जाते, इतना दुखी हो जाते हैं कि भैया मुझे मौत आ जाए तो अच्छी, वे फिर मौत को भी याद करने लग जाते हैं। लेकिन हम जब अभी अच्छे जीवन जी रहे हैं तो हम उस समय की तैयारी करें, बुढ़ापा आए तो हमें रोना ना पड़े, बुढ़ापा आए तो हमें बिलखना ना पड़े, वो तैयारी करें, वो जीवन जीने का प्रयास करें कि हम बुढ़ापे में पछताएं ना। अच्छे जीवन की क्या खूबियां हैं जानते हैं? एक छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, बचपन में खेलता है कूदता है, समय व्यर्थ हो जाता है। फिर कुछ जवान हुआ तो भागा दौड़ी, घर परिवार संभालते संभालते उसमें भी व्यस्त हो जाता है। बचा बुढ़ापे का जीवन तो उसमें सिर्फ रोते बिलखते पीड़ित होते हुए अंत में पछताते पछताते मर जाता है। किंतु अच्छा जीवन क्या है, सुखपूर्वक जीवन क्या है? सुखपूर्वक जीवन यही है कि हम इस दुनिया से जब विदा हो ना तो रोते हुए नहीं, हंसते और मुस्कुराते हुए जीवन जिए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा जीवन जियो कि जाते समय हम हंसते रहें मुस्कुराते रहें और लोग हमारी याद करके रोते रहें कि इस दुनिया का, इस संसार का एक अच्छा इंसान आज दुनिया से जा रहा है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। जितने हम बड़े महापुरुषों को सबको देखते हैं, क्या वे लोग ऐसे ही बड़े हो गए हैं? वे भी हमारे जैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे से अपना जीवन संवारने लगे थे। आप सब उनकी प्रेरणादायी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, उनके जीवन की जीवनियां पढ़ सकते हैं कि वे लोग कैसे इतने आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर अपने जीवन को भी उसी प्रकार सजाते रहें, संवारते रहें। और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने सुख और शांति रूपी आत्मा परमात्मा को हम पा जाएंगे और अपने आप में खुशी महसूस करेंगे, अपने आप में सुख और शांति को महसूस करेंगे। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को सजाने और संवारने का काम करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही हमारे जीवन की सफलता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जरा जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, तीर्थराज प्रयाग की। हाय, हमारे बीच श्री मिश्रीलाल साहब जी विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री मिश्रीलाल साहब। जय सीता जय राम जय। हेलो। जय राम पर श्याम जय 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 जय